together on the country's horizon early in September 1965. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज इमरान खान साहब पेशावर में जलसे से मुखातिब होंगे। कल का उनका बयान, उस पर पाक फ़ौज की जानिब से रद्द अमल, हुकूमत का रद्द अमल अपनी जगह, पीटीए के रहनुमाओं की जो तावीलें वजाहतें थीं वो भी इंतहाई दिलचस्प और मानी खेज थीं। लेकिन उन्होंने ख़ुद आज इस जलसे से पहले एक ट्वीट की सूरत में आगाह किया कि मैं इस कड़े प्रोपेगंडे पर निगाह रखे हुए हूँ जो मुजरमों का पीडीएम नामी ग्रोह मेरे खिलाफ कर रहा है। इसकी वजह वो खौफ है जिसमें ये पीटीआई की बढ़ती हुई मकबूलियत के बायस मुबतला हैं। पेशावर के आज के जलसे में मैं इन सब को बाज़ाबता जवाब दूंगा जो मुझे बदनाम करने के लिए मेरे अल्फाज को जान बूझ कर तोड़ मरोड़ रहे हैं। बस बहुत हो गया। बात ये चल निकली है, कहाँ तक पहुँचेगी, क्या इमरान खान साहब आज मज़ीद वजाहत देंगे या डोर मज़ीद उलझेगी, और उनको ऐसा बयान क्यों देना पड़ा जबकि 15 अगस्त तक तो ये इशू उनके लिए कोई इंपॉर्टेंट इशू था ही नहीं और ना उनकी कंसर्न थी उससे। ये एक मौजू होगा और फिर उसके साथ सैलाब ज़दगान की हालत इज़हार पर भी आज हम यकीनन बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ यौम दिफाए पाकिस्तान 6 सितंबर है। आपको याद होगा सैलाब की वजह से फिर जो मरकज़ी तकरीब है वो कैंसिल की गई थी और उस पर आज फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट है। वो कहते हैं 6 सितंबर की परेड मनसूख करके अच्छा फ़ैसला किया, वरना जवानों को हंसने से रोकना और रोकने पर कोसार भेजना ज़रा मुश्किल काम था। क्या करना? वरना जवानों को हंसने से रोकना और ना रुकने पर कोसार भेजना ज़रा मुश्किल काम था। यानी वो फप्ती कस रहे हैं पीडीएम की क़यादत पर, वज़ीर आज़म पर, कि ये अगर वहाँ खड़े होते तो जवान तो हंसते इन पर। जवान तो पता नहीं किस किस पे हंस रहे होंगे। बहरहाल बदतमीजी जो है उसकी कोई हद नहीं है। अगर आप ये फैसला ही कर लें कि आपने ना इज्जत करानी है ना करनी है तो उसका क्या इलाज है। हालांकि अपने दीगर ट्वीट्स में वो जहलम से अपनी जो निस्बत है उसके प्रचार कर रहे थे और वतन के सजीले जवानों को सलाम भी पेश कर रहे थे। देखिए, हम एक कौम का हिस्सा है, कितने भी इख्तलाफात क्यों ना हो तो हमें ये बात तो मद्देनज़र रखनी चाहिए ना। और आज का दिन जो है जो देखें, जब ये जंग शुरू हुई है 6 सितंबर, आप बाकायदा होश है, आपकी मेमोरी है उसका? हाँ हाँ, मैं अच्छा। तो होश मुझे क्या हुआ? मैं नाज़रीन के लिए पूछ रहा हूँ। मैंने बीए का इम्तिहान दिया था। अच्छा। हाँ जी। और अयूब खान ने तकरीर की 12 बजे दिन को अंग्रेज़ी में तकरीर की, फिर 3 बजे उर्दू में तकरीर की रेडियो पाकिस्तान से। और उन्होंने जो तकरीर की उनका कि इस दुश्मन को पता नहीं इसने किस कौम को ललकारा है, उनका जुमला मशहूर हुआ, अभी चलता भी है। और फिर उसके बाद कहा कि कलमे का विर्द करते हुए उठो और दुश्मन पर टूट पड़ो। तो उनकी ज़िंदगी की वो बेहतरीन तकरीर थी अयूब खान साहब की। हाँ जी। और अल्ताफ़ गौहर साहब कहते हैं कि ये जब एक इजलास हो रहा था तो फील्ड मार्शल अयूब खान ने कहा कि तकरीर लिखी जाए, तो फॉरेन सेक्रेटरी थे अजीज़ अहमद और भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, उनको कहा गया, उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया जो उनको पसंद नहीं आया अयूब खान साहब। फिर उन्होंने अपने सेक्रेटरी इतलात से कहा कि आप ये लिखें। उन्होंने कहा मैं क्या लिखूं? उन्होंने कहा बस ये लिखें कि इन इससे किस कौम को ललकारा है। बस वो कहते हैं कि अब ये जो टीप का मिसरा मिल गया, बस इस पर फिर मैं गिरे लगाता चला गया और तकरीर तैयार हो गई। अब जो अमरीकी सफीर थे वो फील्ड मार्शल अयूब खान से मिले जंग के हंगाम पहले होते ही आगाज़ अच्छा। होती। तो उन्होंने कहा जनाब सदर, आपके दुश्मन ने तो आपको गर्दन से दबोच लिया है,
अयूब खान ने जवाब दिया कि जो हाथ पाकिस्तान की गर्दन की तरफ बढ़ेगा उसे काट दिया जाएगा। वाह। तो बहरहाल बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कोई यकीन करने को तैयार नहीं था कि जंग भी हो सकती है। अल्ताफ गौर साहब लिखते हैं कि जब यह खबर मिली कि हमला हुआ है तो सबसे जो हैरान शख्स था दुनिया में वो खुद फील्ड मार्शल अयूब खान थे। अच्छा, वो खुद दम बखुद थे। दम बखुद। और उसके बाद कोई हैरान था तो वो जनरल मूसा खान थे। तो अयूब खान ने मूसा खान को फ़ोन किया, उन्होंने कहा हाँ सुना मैंने भी है, मैं कंफर्म कर रहा हूँ। अब ये कोशिश थी पूरी, ये कश्मीर के महाज पे तो लड़ाई चढ़ी थी ना, वो लड़ाई ख़त्म कर दी गई थी, वो ऑपरेशन ग्रैंड सलाम था उसे ख़त्म कर दिया गया था। अयूब खान की कोशिश थी कि ये मैसेज चला जाए कि यानी अब कश्मीर के महाज पर भी सरगर्मियाँ कम पड़ गई हैं, जंग ठंडी हो गई है। और क्योंकि 3 सितंबर को शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जो इंडिया के वजीर आजम थे, वो तकरीर कर चुके थे रेडियो से। उन्होंने लोगों से कहा था कि आप तैयार हो जाएं, आपको फजाई हमलों का सामना करना पड़ सकता है, मुश्किलात आपको दरपेश हो सकती हैं, ऐसे हालात पेश आ सकते हैं, तो आप तैयार हो जाएं। तो हर शख्स ने यही समझा इंडिया में कि जंग छेड़ने वाली है। और हमारे हाई कमिश्नर थे अरशद हुसैन, मियाँ अरशद हुसैन जी, वो इंडिया में, उन्होंने तुर्क सफारतखाने के ज़रिए से ये साइफर भिजवाया। ये जैसे बड़ा आपने शोरा सुना ना अमेरिका का, हाँ जी, वो केबल का, केबल का, तो उन्होंने मैसेज भिजवाया तुर्क सफारतखाने के ज़रिए कि 6 सितंबर को पाकिस्तान पर हमला हो सकता है। 6 सितंबर को एग्जैक्ट डेट के साथ में। ये खुद मुझे उन्होंने जाती तौर पर भी ये बात बताई। अच्छा। लेकिन फॉरेन ऑफिस में भुट्टो साहब और फिर उनके सेक्रेटरी अजीज साहब दोनों बड़े हॉक समझे जाते थे, उकाबी। उन्होंने कहा ये तो नर्वस आदमी है। अच्छा, वो उसे सीरियसली अप्रिहेंड नहीं कर पाए। सीरियसली लिया, ऐवान सदर में भेजा ही नहीं, वो दवा लिया वजारत खारजा में, वो जो साइफर था या केबल कह लें उसको, या केबल कह लीजिए, जो भी था खुफिया पैगाम, उसको वहीं दबा लिया। तो बहरहाल एक बड़ी हैरानी की बात थी। और बीबीसी जो है उसने इंडिया में, क्योंकि दावा किया उन्होंने कि आज शाम को हम ड्रिंक्स जो है ना जिम खाने में पियेंगे, चाय का भी गालिबन, और बल्कि ऐलान भी कर चुके ड्रिंक्स। हाँ। तो उन्होंने जब ऐलान किया, बीबीसी के नुमाइंदे ने वहां से खबर ली कि कब्जा हो गया, हम सबको जाहिर जाएगा इंडिया, और बीबीसी ने खबर नशर कर दी। तो उसके बाद बीबीसी की क्रेडिबिलिटी जो है वो बरसों वापस नहीं आ सकी। और लोग, मेरे ख्याल पहली बार ऐसा था कि लोग रेडियो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए थे, पाकिस्तानी टेलीविजन के साथ जुड़े हुए थे, जो खबर वहां से आती थी उस पर यकीन करते थे, जो दूसरे रेडियो जो थे और वो खबर देते थे कामयाबी यकीन नहीं करते। सर, कामयाबी हुआ है जिसका दुश्मन भी एतराफ़ करे ना। तो ये एयर मार्शल भारत कुमार एक हुए हैं भारत के, उन्होंने डेवल्स ऑफ द हिमालयस ईगल द फर्स्ट इंडो पाक वॉर 65 वाली, उसका जिक्र किया है अपनी किताब, टाइटल उन्होंने लिखा है, उसमें वो एतराफ़ करते हैं। मैं आज उसकी कुछ समरी खुलासा पढ़ा था, वो बरमला एतराफ़ करते हैं कि हमें कई गुना बरतरी होने के बावजूद भी हजीमत का निशाना बनाया गया, कई गुना तादाद होने के बावजूद। और वो कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा नुकसान भारतीय फ़ौज को, बिलखसूस भारतीय एयरफोर्स को उठाना पड़ा, और सिर्फ 2 दिनों में, वो खुद कहते हैं कि 2 दिनों में 35 तैयारे हमारे जो हैं वो तबाह हो गए। पहला काम तो ये हुआ ना कि रेडियो पाकिस्तान से जो सियासी रहनुमा थे उनकी तकरीरें नशर नहीं हो सकती, जो अपोजिशन लीडर्स थे, फौरी तौर पर पाबंदी हटा ली गई। तमाम अपोजिशन लीडर्स जो हैं उन पर रेडियो के दरवाजे खोल दिए गए। टीवी तो उस वक्त ज़रा कमज़ोर था, पर उसके भी दरवाजे खुल गए। और जिन लोगों पर बैन लगा हुआ था
और जिनके लिए कहते थे स्क्रिप्ट लिख के दिखाएं फिर बात कर सकेंगे, तो सब पाबंदियां खत्म कर दी। आज पाबंदी एक और भी खत्म हुई है, इमरान खान साहब पर जो लाइव तकरीर नशर करने का पैमरा का नोटिफिकेशन था, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सेट असाइड किया है। ये क्या कि जी अब ड्रिलिंग टैक्टिस आपके पास मौजूद, अगर कोई ऐसा मवाद है तो उसे मैनेज करें। और असल में तो तकरीर पर पाबंदी तो लगी नहीं थी ना, तकरीर पर पाबंदी नहीं लगी थी, तकरीर तो कहा था कि आप कर सकते लाइव तकरीर पर, लाइव तकरीर नहीं कर सकते क्योंकि आप गैर मोहतात अल्फाज जो है ताकि टेलीकास्ट ना हो जाए। अब उन्होंने कहा आप डिले कर लीजिए। अब जिन लोगों, अब ये जाहिर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो भी अब जाहिर है कि हम उसके क्या कह सकते हैं, उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, मगर बाल से कुछ ज़्यादा ही खाल निकाली जा रही। तो जब आपने कहा कि भाई रिकॉर्ड करके चलाएं, उसका मतलब ही ये था कि डिले करें। तो ये ज्वाइन किया जनाब से, ख़त्म कर रहे हैं। तो तमाम लोग जो थे वो दीवानावार फंड इकट्ठा हो रहा है, लोग निकल आए सड़कों पर, और अपोजिशन लीडर्स जो हैं उनको अयूब खान ने इनवाइट किया। मशरकी पाकिस्तान से तो आ नहीं सकते थे, और मगरबी पाकिस्तान से चौधरी मोहम्मद अली, मौलाना अबुल आला मौदूदी, नवाज़ नसरुल्लाह खान, ये सारे इकट्ठे हुए, चौधरी गुलाम अब्बास, ख्वाजा सफदर, ये सब लोग जो हैं ये इकट्ठे हुए ऐवान सदर पहुँचे। ये प्रेजिडेंसी कहते थे उस वक्त, और जब प्रेजिडेंसी में, पहले भी शायद मैंने वाक़ बताया आपको कि जब अयूब खान इनको मिलने के लिए अपने ड्राइंग रूम में आ रहे थे ना, तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन को विस्पर किया के? और कहा तुमने मेरे सारे दुश्मन ये इकट्ठे इकट्ठे। तल्हा साहब आप भी ये विस्परिंग सुन लीजिए पहले, फिर आपको मुखातिब करते हैं। और उन्होंने कहा कि जू ही, लेकिन जू ही अयूब खान आगे बढ़े उनको अंदाजा हुआ दुश्मन वहां कोई दुश्मन था ही नहीं, सब दोस्त बन चुके थे। और वो और ग्रीट कर रहे थे अयूब खान को, सारे इख्तलाफात बुलाकर यक आवाज हो चुके थे पाकिस्तान के इत्तेहाद के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। और जब भी तो नतायज हुआ है ना जिनका आज हम जिक्र करते हैं, उस दिन को फिर यौम दिफा के नाम से याद करते हैं। काश कि आज भी कुछ ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल अब आप चलिए जी, हमें सीनियर साहब तजिया निगार जनाब तलत हुसैन साहब ने ज्वाइन किया है। जी वालेकुम अस्सलाम जी। तलत साहब आपको ज़हमत इसलिए दी है, शामी साहब तो खैर एक ब्रीफ सा आप जिक्र कर रहे थे हिस्ट्री का, 65 की जंग के हंगाम जो वाक़ियात आए तारीख के झरोखों से उन्होंने आपके लिए नाज़रीन के लिए पेश किए। हम इमरान खान साहब के कल का बयान का जिक्र कर रहे हैं, और फिर उनका ट्वीट भी है कि मैं इन अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, बस बहुत हो गया, इन सब को बाज़ाबता जवाब दूंगा। तो आज क्या लगता है आपको, वो वजाहत देंगे उस जलसे में जो पेशावर में होने जा रहा है, या फिर डोर मजीद उलझेगी? देखिए जी, उनकी जो वजाहतें हैं उसने तो डोर को मजीद उलझाया ही है। उनकी वजाहत के अंदर भी इल्जाम का अंसर हावी रहता है, वो अपना दिफा भी जब करते हैं तो उसके अंदर लगता है कि दूसरे पर हमला आवर हो रहे हैं। और जो उन्होंने ये फरमाया कि जी मेरे अल्फाज को पीडीएम की तरफ से तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है, तो अब सबने देखा है कि जो रद्देमल आया है वो फौज के नुमाइंदा इदारे ISPR की तरफ से आया है जी, और वो पीडीएम का रद्देमल नहीं है, वो तजिया निगारों का रद्देमल नहीं है, वो रद्देमल है फौज के एक ऐसे इदारे का जो फौज की पॉलिसी की नुमाइंदगी करता है। सिर्फ फौज की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करता, दूसरी दो सर्विसेज की पॉलिसी की भी नुमाइंदगी करता है। तो न जाने एक ऐसा बयान है कि जिसका फौज की क्यादत को भी समझ नहीं आई, तजिया निगारों को भी समझ नहीं आई, और तो और सदर अलवी साहब को भी समझ नहीं आई, उन्होंने भी अपने आप को डिस्कस कर लिया। तो फिर सवाल यह है कि ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों है कि जिसकी समझ ही किसको ना आए, और जो समझ आए वो इतनी मनफी हो कि हर तरफ इल्जाम की भरमार हो। तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब जब वजाहत भी करेंगे तो वो अपने लिए मजीद मसाइल ही पैदा करेंगे। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में कम बोलना चाहिए अगर इसके ऊपर वो कार फरमा हो पाए ये तो। और ट्वीट भी कम करने चाहिए। जो उनके इर्द गिर्द दोस्त हैं उनका ख्याल है कि जो ट्विटर स्पेस है वो हाइड पार्क है, यानी जो जहन में आए आप बोल दें, जो सुबह उठ के आपने तहरीर ख्वाब में देखी हो उसको आप ट्वीट कर दें, भले उसके अंदर अल्फाज की, इंशा परदाजी की जितनी मर्जी गलतियां हों। मेरे ख्याल में इज्तनाब करना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब से इज्तनाब मांगना ऐसे ही है कि जैसे हम कहें कि सैलाब जो है आए तो सही लेकिन तबाही ना करे। तो इमरान खान इज्तनाब नहीं बरतेंगे,
और वो वजाहतें करते रहेंगे जिसके अंदर इल्जामात का उनसे हावी होगा और अपने लिए और जमात के लिए मसाइल पैदा करते रहेंगे। तरह साहब, ये इमरान खान साहब जो है वो चाहते क्या है आखिर, क्या उनका मकसद क्या है इस वक्त, आप कैसे देखते हैं? बुनियाद जी, इमरान खान साहब जो है बुनियादी तौर पर साबित ये करना चाहते हैं कि उन्होंने जिस सड़क के ऊपर सफर का आगाज किया था ताकत से निकलने के बाद, उस सड़क के आखिर में एक ऐसी सियासी जन्नत है जिसका सिर्फ उन्हीं को पता है। तो जब कोई शख्स जो है वो ये कमिटमेंट अपने आप से कर ले कि मैंने साबित करना है कि इस सफर के अख्ताम पर रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड है, तो फिर वो जो है गैम्बलिंग शुरू कर देता है, सियासी गैम्बलिंग शुरू कर देता है। मैं तो जाहिर है आपके सामने शामी साहब तिफले मकतब हूँ, मैंने तो जमाने कम देखे हैं, आपने ज्यादा देखे हैं। ये जो जोम है कि मेरे पास कोई ऐसा हल मौजूद है कि जो किसी और को नजर नहीं आ रहा, ये बहुत सारी क्यादत को ले डूबता है। तो मुझे ही लगता है कि इमरान खान साहब सबको ये बता रहे हैं, उनके पास एक जबरदस्त एजेंडा है और उनके पास एक जबरदस्त हल है, लेकिन वो अपनी जमात को और इत्तेहादियों को बंद गली में लेके जा रहे हैं। वो पावर पॉलिटिक्स की उस किश्ती में सवार हो गए हैं जिसके पास उनके पास चप्पू नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बस आप देखते जाएं मैं कैसे इस तूफान में निकल जाऊं। ये बात बिल्कुल तवज्जो तलब हो सकती है तल्हा साहब, लेकिन क्या ये फैक्ट नहीं है कि वो मकबूलियत के एक मेराज पर पहुंचे, और मकबूलियत जब इस कदर किसी लीडर के पास हो तो उसके यहाँ जोम भी आता है और उसके यहाँ फिर वो सड़क के एंड पे एक ख्वाब भी उसे दिखाई देता है? देखिए जी, इस कदर किस कदर है, मुझे तो आजकल इस कदर की समझ नहीं आई कि इस कदर जो है मकबूलियत कहाँ पर है। मकबूलियत मकबूलियत अगर ट्विटर के नंबर्स पर आपको नजर आए, जलसों में नजर आए, तो उसको फिर सियासी एडवांटेज में ट्रांसलेट होना चाहिए। देखिए मकबूलियत का एक मयार उन्होंने खुद ही अपने लिए बताया। सब सियासी एडवांटेज में ट्रांसलेट हुआ तो सही ना, 20 हल्कों में जिमनी इलेक्शन हुआ, वहां मेजोरिटी में पीटीआई जीती और रिकॉर्ड वोट मिला जी। उन्होंने अपने ही कैंडिडेट्स को हराया, वो तमाम लोग जो उनकी पार्टी के टिकट पर मुंतखब हुए थे उनको पीडीएम ने टिकट देकर गलती की और अपनी ही पार्टी के नुमाइंदगान को उन्होंने हरवाया। और ये भी देखें कि वोट तो सबको पड़े हैं, आप परसेंटेज पॉइंट देखें, वोट तो फिर उनके मुखालिफिन को भी ठीक ठाक पड़े हैं, जीतने वाले वोट नहीं पड़े तो वोट तो ठीक ठाक पड़े हैं। और ये भी देखें, अगर जिमनी इंतखाबात को मयार बनाया जाए तो फिर इमरान खान साहब की मौजूदगी में पीएमएलएन ने भी जिमनी इंतखाबात जीते हैं। तो मैं ये डिनाई नहीं कर रहा कि वो मकबूल नहीं है। ऑपोजिशन इन हालात में, कोई भी ऑपोजिशन हो, जब आपको हुकूमत बाज जगहों पर टामक टोइयां मारती नजर आ रही है, जब सैलाब ने तबाही फैलाई हुई है, जब गैस के बिलों ने लोगों की जिंदगियों को तबाह किया हुआ है, तो कोई भी ऑपोजिशन अपनी मकबूलियत की मेराज को छू सकती है। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है ऐसी है कि वो तमाम निजाम को मफलूज कर पाए। देखिए, मैं गुजारिश कर रहा था कि जो उन्होंने एक पैमाना खुद मुकर्रर किया था कि मैं इस्लामाबाद आऊंगा और इस्लामाबाद के अंदर आकर मैं एक फ्रांसीसी इनकलाब ले आऊंगा, तो हम सब ने देखा कि इस्लामाबाद के दरवाजे के ऊपर आकर जब सुबह का सूरज तलू हुआ तो फिर उनके पास वो नंबर्स नहीं थे। देखें, जो सोशल मीडिया का चैट बॉक्स है उसके अंदर, जो एको चैम्बर्स के अंदर अगर आप बैठकर बात करते हैं तो आपको अपनी आवाज बड़ी भली सुनाई देती है। इमरान खान साहब के पास दो हुकूमतें हैं, वो उनका एडवांटेज है, केपी की हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है, लेकिन उस एडवांटेज को वो फिर अपनी ताकत में वापसी के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, मेरी नाकिस राय में उनके पास कोई रास्ता है नहीं। साहब, ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि वो मकबूल तो हैं लेकिन वाहिद मकबूल नहीं है, वो मकबूल लीडर्स में से एक हैं और उनके पास वीटो भी नहीं है। लेकिन आप मुझे बताएं कि उनको यानी सियासत से डील करना चाहिए या कानून से डील करना चाहिए, यानी कानून को उनके खिलाफ हरकत में आना चाहिए, इसके कोई मुफीद नताइज निकलेंगे या इसका नुकसान होगा? शामी साहब, मुझे तो लगता है कि जो कानूनी तौर पर इमरान खान साहब जो है वो अभी काफी कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आते हैं। जो खला न्यूट्रलिटी की वजह से आपके सामने आया, और वो एक कुदरती खला है, और आपको पता है कि मेरी जो राय है फौज की सियासत के अंदर इंटरवेंशन की, वो बड़ी बड़ी वाजे रही है, मुसलसल मैं उसी राय पर कायम हूँ। लेकिन एक पावर पॉलिटिक्स के अपने डायनामिक्स हैं, जब आप इतने अच्छे पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व रहे और फिर एकदम आप
किनारा कशी इख्तियार करे तो फिर एक खला आ जाता है और उसको कोई ना कोई पुर करता है। इमरान खान साहब ने उस खला को बहुत अच्छे तरीके से पुर किया है। तो इंसाफ का निजाम मेरे ख्याल में अभी भी इमरान खान साहब की खला को पुर करने की जो सलाहियत है उससे मुतासर है। तो कानूनी तौर पर तो मुझे लगता है वो काफी कंफर्टेबल है, लेकिन जहां पर वो कंफर्टेबल नहीं है वो पावर पॉलिटिक्स का रेल्म है। देखिए, आपने मकबूलियत का जिक्र किया, मकबूल होना और बात है, काबिले कबूल होना और बात है। इमरान खान साहब पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर इतनी ज्यादा डिविजन्स हैं, वो मरकज में आकर अगर कंसेंसस बिल्ड करने वाले कायद के तौर पर सामने आए तो उनके लिए रास्ते खुले हैं। लेकिन अगर उन्होंने डिविजन्स को प्रमोट किया इदारों के अंदर, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो फौज हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो अपनी जमात हो, और फिर इसरार किया कि उनके अलावा तमाम लोग जो है वो गासिब है, वो उनका ना इस्लाम दुरुस्त है ना उनका सियासी किबला दुरुस्त है, तो इस कैफियत में मेरे ख्याल में टकराव में उनको नुकसान ज्यादा होगा। अब खान साहब पेशबंदी भी करते हैं, मामलात को देखकर वो हल्की आंच पर बयान देते हैं, फिर उस हिसाब से अपना नैरेटिव भी सेट करते हैं, ये एक अंडरस्टैंडिंग उनके बारे में रही है। 15 अगस्त तक फरीहा दरीसाबा का इंटरव्यू मैं बार बार कोट कर रहा हूँ कल से प्रोग्राम में, उसमें पर्टिनेंटली उन्होंने 2-3 दफ़ा सवाल पूछा आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर, तब उन्होंने कहा कि ये मेरा इशू नहीं है, जो भी गवर्नमेंट होगी वो अपॉइंट कर लेगी। ये 18-19 दिनों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो अलार्म्ड हुए हैं या इतना उनको एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देनी पड़ गई है? कोई क्या किसी और मुल्क से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लग जाना था कि अल्लाह ना करे? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। मेरे ख्याल में उनको स्क्वीज जो है, पावर पॉलिटिक्स की स्क्वीज महसूस हो रही है। बस उनका ख्याल था कि अगर उन्होंने सड़क कदम की और एहतजाज किया तो शहबाज गिल बाहर आ जाएंगे। शहबाज गिल बाहर नहीं आए, जो उनकी चीफ ऑफ स्टाफ है। ये एक कायद के लिए एक टेस्ट केस था, साबित करना कि मैं सड़क के ऊपर अगर आर्गुमेंट करूं और प्रेशर बिल्ड करूं तो मेरे खिलाफ या मेरे साथियों के खिलाफ जो महाजबंदी है वो खत्म हो जाएगी। वो वैसा नहीं हुआ। फिर कोर्ट के अंदर से उनको सहूलत मिल रही है, लेकिन केसेस का घेरा भी तकनीकी एतबार से तंग होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी बात यह है कि हुकूमत के जाने के कोई आसार नजर नहीं आते। और फिर मुझे ये भी लगता है कि सैलाब ने जो उम्मीदें थी उनकी कि हुकूमत से जल्दी चली जाएगी, उस पर भी पानी फेर दिया है। तो वो एक स्क्वीज को फील कर रहे हैं। तो जब वो डेस्परेट है ये साबित करने के लिए कि मैं एक अजीम कायद हूं और मेरे से कोई गलती नहीं होती और मैं अपनी कौम को किसी साहिल पर लेके जाऊंगा और उस साहिल के ऊपर एक नई दुनिया आबाद करूंगा, जब उन्होंने अपने गोल सेट किया हुआ है और 2 माह की डेडलाइन दी हुई है, वो डेडलाइन आप पूरी करते हुए नजर नहीं आते। तो मुझे लगता है कि 14 दिनों में उनकी डेस्परेशन का लेवल बढ़ा है, लिहाजा उनके बयानात के अंदर वो तुंदी नजर आती है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। मुख्तर ये फरमाइएगा कि ये जो गवर्नमेंट है, पीडीएम की क़यादत है, इनके यहाँ से भी कोई काउंटर नैरेटिव उनके नैरेटिव को डील करने के लिए हमें बज़ाहिर दिखाई नहीं देता। चंद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेज वगैरह कर देते हैं रिवायती तौर पर, लेकिन वो जो खान साहब का नैरेटिव जिस कदर वो पॉपुलरिटी के साथ सोशल मीडिया या दीगर प्लेटफॉर्म पर यूज़ करते हैं, उसका काउंटर नैरेटिव ये सरकार क्यों नहीं दे सकी? क्या महंगाई, बेरोजगारी, सैलाब और बुरी मायशी पॉलिसियां उसकी वजह है या कुछ और? बिल्कुल आपने सही फरमाया, ये जो आपने चारों चीजें गिनवाई ये अपनी जगह पर मौजूद है और हुकूमत उन चीजों के वजन के नीचे अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पा रही। और दूसरा, मेरे ख्याल में इस हुकूमत को एक सहूलत ये मुहैया हो गई है कि इमरान खान साहब अपना काउंटर खुद ही डेवलप करते हैं। तो उन्होंने अपने आप को, अगर तारीख लिखी जाएगी तो मेरे ख्याल में ये जुमला कहीं लिखा जा सकता है इमरान खान के बारे में कि उन्होंने सिंगल हैंडेडली अपने आप को डिमोलिश किया। तो इमरान खान साहब के बयानात के अंदर से उनकी मकबूलियत में भी इजाफा होता है और मसाइल में भी इजाफा होता है, और जब लड़ाई हो रही हो इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान की तो पीडीएम को क्या पड़े कि वो बीच में कूद कर खामखा जो है अपनी आवाज बुलंद करते रहे। तो वो कहेंगे कि चलता रहने दे इसको, ऐसी इसको बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तल्ला साहब, आपने वक्त दिया। शाम साहब, एक छोटा सवाल इस मौजू से जुड़ा है, तो शेख रशीद साहब कह रहे हैं 15 करोड़ नौजवानों की जेब में मोबाइल फ़ोन है, हुक्मरान का गलत फैसला अवाम के गैज़ो गज़ब में बदल सकता है, लोग ज़मीनी हकायक से वाकिफ़ नहीं क्योंकि वह अवाम में नहीं है, इससे क्या मुराद है? क्या उनको लगता है कि वाकई इनकलाब बरपा हो जाएगा अवामी प्रेशर की वजह से? आपकी राय तारीख के आईने में लूँगा, एक ब्रेक ले लूँ। एक वोट है ना उनके पास, जी शेख साहब के पास, वो जो 15 करोड़ मोबाइल फोन है उनसे शेख साहब फायदा क्यों नहीं उठाते? एक ब्रेक, खुद क्यों नहीं मकबूल बन जाते? एक ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान साहब का बयान और फिर आज पेशावर जलसा है जहां पर वो वजाहत देंगे या मज़ीद डोर उलझाएंगे, इस मामले पर बात हो रही थी। इस बीच में उनकी जो अपनी पार्टी क़यादत है उनके जो तज़िये और तबसे हैं ट्वीट्स पर या टीवी चैनल्स पर दिए गए बयान, वो भी ज़ेर बहस आए। तदत हुसैन साहब की राय आपने देखी। शेख रशीद साहब को मैं जिक्र कर रहा था कि 15 करोड़ अवाम की जेब में मोबाइल फ़ोन, उनके गैज़ वरब गज़ब से आप डरें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे फ़र्क होने लगता है, पड़ सकता है। वो उनको क्यों नहीं पड़ा? दूसरी उनको पड़ा है ना सर, मखबूल एक सीट के बावजूद देखें वो माशाल्लाह क्या है, एक सीट के बावजूद कायम दायम, दूसरी सीट नहीं हो सकी, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं, वो कहते हैं मैं एक ही सीट पे काफ़ी हूँ। चलिए काफ़ी। और दूसरी बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल इस बारे में इजहार ख्याल किया था जनाब कामरान खान साहब के यहाँ, वो सुनने से ताल्लुक़ रखता है उनका बयान, सुनाओ देखिए। खान साहब के इस पूरे उस बयानी पे पूरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट किया और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स किया, फिर खुद पाक फौज ने शदीद गुस्से का इजहार किया है, इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी तो बड़ी सिंपल है कि जो आईन ने एक तरीका कार दिया हुआ है उसको हमें फॉलो करना है, और जो जो उनका प्रोफेशनल रिकॉर्ड है वो जो हमारे मौजूदा चीफ एम के सामने होता है, जब वो पैनल मुरतब करेंगे, जब किसी को रिकमेंड करेंगे, तो उनकी माजी की परफॉर्मेंस, उनकी जो कहाँ कहाँ उनकी, नहीं सर ये जो खान साहब ने बयान दे दिया इसकी रेमेडी क्या है? ये तो आप दोहरा रहे वो बात जो के है जी, अब इसकी क्या अर्ज ये है? मैंने उसको बयान को मैंने सुना नहीं है, मैंने देखा नहीं है, मैं आपसे सुन रहा हूं और आप फरमा रहे हैं वो किस तनाजुर में किया, उसका बैकग्राउंड क्या था, मैं अभी बगैर उसकी डिटेल्स में जाए मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वो इस इंस्टीट्यूशन की अहमियत से भी वाकिफ है और इस इंस्टीट्यूशन को हमेशा उन्होंने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं आपको सुना दूँ कि उन्होंने क्या बात की फिर आप, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आप इस पर गुफ्तगु नहीं सुनना चाहेंगे, आप फिर आप तबसरा करना चाहेंगे ताकि आप सुन लें कि क्या कहा है उन्होंने। अर्जी है कि देखिए अब उसको भी जिस बैकग्राउंड में उन्होंने बात की है उसको देखना होगा ना क्या है। अब कुछ ख्वाहिशात तो कुछ लोगों की कुछ हो सकती हैं, लेकिन ख्वाहिश किसी की होना और मुल्क की जरूरत होना उसको हमने देखना है। मुल्क की जरूरत यह तकाजा करती है कि ये एक इदारा है, एक नेशनल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसको नेशनल और प्रोफेशनल हमें रहने देना चाहिए। साबिक वजीर खारजा तो दाद तो देना उनकी। और वाइस चेयरमैन पीटीआई और इंतहाई अहम तरीन शख्सियात पीटीआई में जो उनमें से एक तो डिप्लोमेटिक गुफ्तगू कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, उन्होंने अब गुरेज किया, तबसरा नहीं किया। देखें जो ये मकबूलियत है ना जिसकी बार बार धौंस दी जाती है, ये भी दोशीजगी की तरह होती है। दोशीजगी की तरह होती हाँ जी। अच्छा ये बड़ा आपने मानी खेज इस्तारा यूज किया, इसकी बड़ी हिफाजत करनी पड़ती है जी, इसकी बड़ी हिफाजत करनी पड़ती है। ये मकबूलियत जो है वही परेशानी का बायस होती है। अगर जो आदमी गैर मकबूल है, जिसकी बात का कोई नोटिस नहीं ले रहा, जिसका कोई फॉलोअर नहीं है, जो मर्जी कहता रहे, जो मकबूल होगा, जिसकी बात लोग तवज्जो से सुनेंगे, उसकी बात का नोटिस लिया जाएगा ना, उनकी बात का नोटिस लिया जा रहा है, उसके असरात होंगे। हाँ, उसके असरात होंगे। तो उसके जब असरात होंगे तो फिर ये मकबूलियत जो है वो पांव की जंजीर बन जाएगी। तो मकबूलियत की उसी तरह हिफाजत करें जिस तरह हुसन वाले हुसन की हिफाजत करते हैं। मेरा ख्याल है खान साहब बेहतर समझते हैं कि मकबूलियत, समझते होते तो फिर आज जवाब दे रहे हैं ना, अच्छी बात, आज वजाहत दे रहे हैं वो, उनको हक हासिल है वजाहत करने का। आज बल्कि ऐन मुमकिन है कि वो नवाज शरीफ साहब का, मौलाना फजल रहमान साहब का, मोहतरमा मरियम साहिबा के, ख्वाजा आसिफ साहब के, उनके बयान दिखाएंगे जम्मे गफीर के सामने कि ये देखें ये क्या कहते थे, और तब तो बात आई गई होगी, इनकी बात भी आएगी कर दे, उन्होंने भुगत लिया। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने जेल भी भुगत ली, नाहली भुगत रहे हैं, अगर उनके बयान सुनाएंगे तो फिर नताइज से भी आगाह हो जाए। ठीक।
चल नतज तो खैर अच्छे नहीं है, इसलिए सर कि बार बार हमारी कोशिश होती है इस प्रोग्राम में कि हम सैलाब जदगान की हालत इजार। अच्छा वो आज वो एक बच्ची जो है ये झुग्गी झुग्गियों में रहते हैं ना जो लोग, अब 2 करोड़ लोग जो हैं झुग्गियों में रहते हैं आप ये देखें पाकिस्तान। और ये तो अभी ग्रीन टाउन में हमारे लाहौर में एक औकाफ बस्ती है, झुग्गियों में 50 साल से लोग रह रहे हैं झुग्गियों में, शराबदादा इलाकों में जाना आप उस इलाके में चले जाएं, देखें किस तरीके से। फिर वो मुबशर हुसैन राणा साहब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, उनको हुनर सिखा रहे हैं। तो एक बच्ची यौम कायद आजम हो यौम पाकिस्तान हो, बच्चे और बच्चियां पैगाम देते हैं, और आज 6 सितंबर को भी एक बच्ची ने पैगाम दिया और मेरा दिल दहला दिया। क्या बात, वो भी सैलाब जदगान के बारे में सोच रही है, सोच रही है कि हम यहाँ बैठे हुए उनके लिए क्या कर सकते हैं झुग्गियों में जो खुद सैलाब ज्यादा लोगों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। हजरत अब मेरी ख्वाहिश ये थी कि हम जरी बात अपने जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं या हमारे सहाफी दोस्त जो फील्ड में गए उनसे सुना दे जी, वो भी सुना देते हैं, अभी तैयार होती है वो भी सुना देते हैं। लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि जो सैलाब जदगान की कवरेज के लिए जितने भी हमारे दोस्त सीनियर सहाफ़ी कॉरेस्पॉन्डेंट्स के उनकी बात हम सुने, मुतासर लोगों की सुने, जो फलाही इदारे वहाँ हैं उनकी बात भी सुने, और हमने की भी माहरीन की बात भी करें। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट रह गया था कि जब कोई खातून सहाफ़ी इन इलाकों में जाती है तो वो जिस नज़र से जिस तरीके से मामलात को देखती है, बिलखसूस बच्चों के और ख़वातीन के मसाइल को, वो एक आम शख्स शायद दूसरा ना देख सकता हो। तो सिदरा डार साहब हैं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं जी, तो वो हमारे साथ आज बराह रास्त मौजूद हैं, ये कई इलाकों का विज़िट कर चुकी हैं, इन्होंने आज अपने अकाउंट के ज़रिए हालत ज़ार बयान करने की कोशिश भी की है कि लोग किन किन बीमारियों का शिकार हैं और उसके लिए होना क्या चाहिए। सिदरा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप किन इलाकों का दौरा कर चुकी हैं और वहाँ पर आपने बिलखसूस ख़वातीन और बच्चों की क्या हालत देखी है? बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। अब तक हम फ्लड की कवरेज के लिए सिंध के मुख्तलिफ अजला में दौरा कर चुके हैं, जिनमें मीरपुर खास से आगाज हुआ था, उसके बाद मीरवा गांव था, झड्डू था, डिगरी थी, फिर उसके बाद हम नवाबशाह से होते हुए आगे गए और अब दादू और जोही का इलाका, और इसके बाद बदीन, और ये सारे इलाके पटीदन खासतौर पर नौशहर फिरोज जो सबसे ज्यादा बारिशों की वजह से इफेक्टेड हुआ, इन सब इलाकों से होते हुए हम अब वापसी के रास्ते पे हैं। इन इलाकों में जो हमने विजिट किया हमने बहुत बुरे मनाजर देखे हैं। एक तो ये कि लोगों के इनखला का मामला अभी तक हल नहीं हो सका है, बहुत से लोग अभी भी अपनी जगहों पे बैठे हुए हैं और इस बात पर बजिद हैं कि वो वहां से इसलिए नहीं निकलेंगे क्योंकि उनके घर बार वैसे तो डूबे हुए हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि आने वाले वक्त में उनके पास वो भी नहीं रहेगा। लेकिन जो सैलाब से खड़ा पानी है उसकी वजह से खवातीन और बच्चे सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं, उनमें वबाई अमराज अब फूट पड़े हैं, मच्छरों की बहुतात है, डेंगू हो रहा है वहाँ पे, मलेरिया है, बच्चे टाइफाइड का शिकार है, सबसे ज्यादा फंगल इन्फेक्शन स्केबीज के मामला है, ये सारी चीजें आ रही हैं, जिसमें जो मेडिकल कैंप जो कि बहुत महदूद हैं और अपनी मदद आप के तहत कुछ इदारे चला रहे हैं उनके पास अद्वियात की भी कमी है, और लोगों की तरफ से खुराक राशन ये सब चीजें तो पहुँचाई जा रही है, लेकिन ये एक निगलेक्टेड मामला इसलिए है कि लोगों को अभी तक ये लग रहा है कि जी इनको पानी और चीजें जानी चाहिए, जो कि सही भी हैं, लेकिन जो खवातीन की सेहत और बच्चों की सेहत दांव पे लगी हुई है उसके बारे में शायद लोगों को अभी उस तरह से अंदाजा नहीं है। मगर आप, तो आप ये क्या, एक बहुत बड़ा मरहला है। आप क्या सजेस्ट करेंगी, क्या इकदाम होने चाहिए, जरूरत किस बात की है, और ये पानी जो है कब उतरेगा, क्या तवक्को क्या है इस बारे में? पानी के उतरने के बारे में जो वहाँ के मुकामी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें पंप से निकाला जाए तो 7 से 8 रोज लग सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ छोड़ दिया जाए तो वो कई महीनों तक पानी नहीं उतरेगा, क्योंकि कई इलाकों में 4 फीट 5 फीट पानी है, और जिस तरह से मुसलसल पानी बढ़ रहा है और जो बंद अब नए तोड़े जा रहे हैं काटे जा रहे हैं उससे भी, और कई यूनियन काउंसिल्स जो है वो जेरे आब आ रही है। लेकिन जो आप जरूरत की बात कर रहे हैं वो इस वक्त सबसे ज्यादा हेल्थ के जो मामला बिगड़ते जा रहे हैं वो है, खवातीन को सेफ शेल्टर्स चाहिए, जो सड़क किनारे लोग हैं, आज भी हमारी मुलाकात कुछ ऐसे खानदानों से हुई जिनके बच्चे सड़क किनारे सो रहे थे और उन्हें डंपर जो है वो मार के निकल गया, ये एक बड़ा मरहला है क्योंकि ट्रैफिक तो नहीं रुक रहा, ये सड़कों पर बैठे हुए खवातीन के लिए टॉयलेट्स के मामला बहुत ज्यादा मुश्किल में है, वो कि टॉयलेट्स नहीं है, उनके पास सेफ जगह नहीं है, इमारतें नहीं है, जो सरकारी स्कूल और दूसरी जगह वहां पर भी पानी खड़ा हुआ है,
तो एक तो ये मामला, दूसरा ये कि हेल्थ कैंप्स ज्यादा होने चाहिए और गवर्नमेंट को भी कोशिश करनी होगी कि जो अद्वियात हैं और जो जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनको उस सप्लाई को मजीद मौसर बनाए, जहां हुकूमत की या सरकार की रसाई नहीं है और दूसरे लोग पहुंच रहे हैं उनके जरिए पहुंचाए। ये वक्त अभी बहुत मुश्किल है और मेरे ख्याल से सिर्फ ये तादाद लगाना कि इब्तदाई रिपोर्ट आई है जी इतने डैमेजेस हैं ये वो, अब मेरे ख्याल में वो वक्त से आगे निकलकर इनकी रिलीफ पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो हैदराबाद में खैमा बस्ती कायम हुई है जिसमें लोगों को किया गया, ये इस तरह की खैमा बस्तियां बहुत ज्यादा होनी चाहिए। लाखों लोगों की सेहत स्टेक जो है ना उस स्टेक पे लगी हुई है। खवातीन इतनी सारी प्रेग्नेंट है, हमने 10 औरतों से बात की होगी तो उसमें से 3 हामला खवातीन होंगी। आपको पता है कि इस वक्त यूनाइटेड नेशन की जो पॉपुलेशन फंड है उसकी भी रिपोर्ट बता रही है कि जो सैलाब ज्यादा इलाके हैं उसमें 6.5 लाख हमला खवातीन, जिनमें से 73,000 खवातीन अगले माह बच्चों को जन्म देने, उन बच्चों के लिए हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है ना खवातीन के लिए है। बहुत शुक्रिया सिदरा डार साहब, हमें रिपोर्ट कर रही थी। एक जनूबी पंजाब से खातून की वीडियो बहुत वायरल हुई है, वो अपनी मखसूस जुबान में जिस तरह से शिकवा कर रही हैं वो देखने और सुनने से ताल्लुक रखता है, बिलखसूस वडेरों और हुक्मरानों के लिए। देखिए, अर्ज़ करूँ सर आपसे कि इनकी गुफ्तगू कल परसों से वायरल हुई है। आज पूरा दिन मैंने भरपूर कोशिश की, मैंने भी मेरी टीम ने भी, कि हमें जो दर्शक जितने भी हैं हमारे रहनुमा उन सब से फर्दन फर्दन रब्ता किया जाए कि जी आपको इसलिए ज़हमत देनी है कि इसका शिकवा तो सुने इस खातून का, कोई जवाब है इसके लिए, और बदकिस्मती से कोई दस्तयाब नहीं हो सका। बहरहाल ये देखें, आप ये एन जी ओज भी काम कर रही हैं, सरकारी लोग भी काम कर रहे हैं, काम तो हो रहा है, लेकिन बाद अवकात ये है किसी, क्योंकि बहुत पानी के अंदर धंसे हुए ना लोग, तो उन तक पहुँच नहीं है। बारह इसकी फरियाद तो खातून की मेरा ख्याल सुनी गई होगी, कोई ना कोई पहुंचा होगा इसके पास। और अभी तो वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि 70 अरब रुपया फौरी तौर पे तकसीम किया जाएगा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत। यानी इतना एक अजीब जो आफत है, अजीब तरह की है, पानी हर जगह खड़ा है, खुश्क ज़मीन नहीं मिल पा रही। अच्छा, वक्त ख़त्म हो रहा है सर, आखिरी 1-2 मिनट रह गया, मैं बात अब किस लिए काट रहा हूँ कि हसीना वाजा साहबा मुझे गई हुई हैं भारत के दौरे पर, तो वहाँ उन्होंने फरमाया कि वो भारत का शुक्रिया अदा करती हैं कि उन्होंने उनकी मदद की, जाहिर है वो कहती हैं कि जी जंग आज़ादी है हमारी उनके साथ मिलके, तो उन्होंने बांग्लादेश बनाया, तो ये एक तारीखी हकीकत है, इससे कोई इनकार तो नहीं हो सकता ना। अभी तो इंडिया में हमारे जमात इस्लामी हिंद के साबिक अमीर थे मौलाना जलालुद्दीन उमरी, 88 साल की उम्र में इंतकाल किया चंद रोज पहले, कोई ताज़ियत भी नहीं कर सके उनकी, बड़े मुहक्क़क़, बड़े मुसन्नफ़ और इदारा तहकीक जो है उससे वाबस्ता थे, उस जमात इस्लामी के जरिए तमाम एक, यानी उन्होंने यानी जमात इस्लामी के रहनुमा वहाँ देखे, आप तालीम से तहकीक से कितना गहरा ताल्लुक है, तो अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। हम तो ना यहाँ खबर पहुँचती है बर वक्त, ना कोई ताज़ियत कर सकते हैं, ना जनाजा पढ़ने कहीं जा सकते हैं, ये भी अजब मामला है ना। अल्लाह उनके दर्जात बुलाए। फिर मैं सर यहाँ प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, नाज़रीन के साथ ही आज के प्रोग्राम के वक्त यहाँ खत्म हुआ। चाहते हैं आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।